गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। आज आप सबके सामने जो प्लांट लेकर मैं आई हूँ वो है चाइनीज वायलेट प्लांट। ये देखिए, इसके ऊपर पहले ही मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए दे दूंगी। उस वीडियो में मैं इस प्लांट के लिए कैसे सॉइल, फर्टिलाइजर, वाटरिंग, पेस्ट, इसके बारे में डिटेल मैं बता चुकी हूँ। फिर भी मैं आज इसका वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इधर देखिए, ये प्लांट का छोटे छोटे नन्ना नन्ना प्लांट लग गया, मतलब ये सीड से हुए। इसको मुझे आज उठाना है और गमला में रिपोर्ट करना है। कैसे मैं रिपोर्ट करती हूँ ये सब आप लोगों का आज मुझे दिखाना है। दोस्तों ये देखिए, इसके सीड, ये सब सीड है और इधर फ्लावर हो गया और ये पुराना हो गया और ये न्यू फ्लावर है। इसके अंदर ही सीड होते हैं। ये अभी ग्रीन है क्योंकि ये कच्चा है, जब ये पक जाते हैं ये ब्राउन कलर हो जाते हैं। इसके जो सीड है, इस सीड से इधर इसके प्लांट बने हैं। ये देखिए, छोटा छोटा नन्ना नन्ना प्लांट कितना सुंदर लग रहे हैं। देखिए इस गमला में बन गया और ये देखिए इधर भी बन गया छोटा सा नन्ना सा मेरा प्लांट। अभी मुझे इसको उठाना है और लगाना है। दोस्तों ये प्लांट भाइन जैसा, जैसा ट्रेलिंग प्लांट होते हैं ये इस तरह ही होते हैं, इसलिए मैं इसको आज हैंगिंग में लगा दूंगी एक, और एक को इस गमले में रिपोर्ट करूंगी मैं। ये देखिए, और हैंगिंग के लिए ये देखिए, मैं एक प्लास्टिक बॉटल के ऊपर का हिस्सा देखिए ये मैंने काट लिया और इसके अंदर मिट्टी मैंने भर दी और ये देखिए ये सब छेद कर दिए मैंने। इसमें रस्सी देना है और रस्सी देकर हैंगिंग में इसको बनाना है। इस बार इस प्लांट को मुझे उठाना है, धीरे से उठाना है क्योंकि इसके जड़ कट सकते हैं, नन्हे से प्लांट है। देखिए किस तरह मुझे उठाना है। ये देखिए इसका जड़, ए वाला इसको उठाना है। ये देखिए, ये देखिए ये साथ लग रहा है, हो गया। ये देखिए है, ये देखिए इसको लगाना है मुझे। और एक बड़ी बात है, मैंने इसको मिट्टी से उठाया, इसके बाद इसको तुरंत पानी में डालना है। ये देखिए पानी, क्योंकि इसका जो पत्ता ये जल्दी जल्दी ड्राई हो जाते हैं, एकदम खराब हो जाते हैं और ये प्लांट आपका कोई काम पे नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी ट्रिक। और भी एक को उठाना है मुझे, ये देखिए इसको मैं उठा देती हूँ। इसको हैंगिंग में लगाना है मुझे। देखिए इसका जड़ नीचे से है, ये देखिए, देखिए इसको भी पानी में डालना है। देखिए मैंने डाल दिया, ये देखिए। इस प्लांट को लगाने के लिए जो मिट्टी चाहिए वो है 1 पॉट गार्डन सॉइल या सैंडी सॉइल, 1 पॉट कॉम्पोस्ट, 1 टीस्पून नीम केक पाउडर। ये तीनों को मैं इसमें ऑलरेडी मिला चुकी हूँ। 1/2 टीस्पून एंटी फंगल पाउडर इसके साथ मैं दे रही हूँ। ये देखिए मिला देती हूँ और एक को मुझे हैंगिंग में लगाना है, इसीलिए इसमें जो सॉइल है वही एक ही सॉइल है, 1 पॉट गार्डन सॉइल, 1 पॉट कॉम्पोस्ट एंड 1 पॉट कोकोपीट, उसके साथ 1/2 टीस्पून नीम केक पाउडर, 1/2 टीस्पून एंटी फंगल पाउडर ऑलरेडी मैं मिला दिया इसमें। देखिए इसको लगाना है। ये देखिए ये एक 4 इंच का गमला है मेरा, टेराकोटा गमला है पॉट, और उसके ऊपर ये देखिए ड्रेनेज होल, ये तो है ही। ड्रेनेज होल के ऊपर एक टूटे हुए गमला का टुकड़ा मुझे रखना है। देखिए दोस्तों इसके ऊपर 1 इंच तक बालू का एक लेयर देना है, इस तरह देना है, इस तरह करना है क्योंकि एयर पॉकेट रहना नहीं चाहिए। इसके ऊपर मुझे मिट्टी देना है, सॉइल डाल रही हूँ, इस तरह करना है, एयर पॉकेट रहना नहीं चाहिए। इसके अंदर मिडल में इस प्लांट को लगाना है। धीरे धीरे से इसको मिट्टी को डालना है।
और इसको लगाने के बाद 2-3 दिन छांव में रख दीजिएगा, शेड के नीचे रख दीजिएगा। उसके बाद इसको फुल सनलाइट में रखिएगा या सेमी शेड में रखिएगा, सब में चलेगा। और सुबह का 2-3 घंटा धूप मिले उसमें भी ये प्लांट चलेगा। ये देखिए, इसको इस बार पानी देना है। देखिए पानी ऐसे देना है जैसे नीचे से निकल जाए, अंदर जमना नहीं चाहिए। दोस्तों देखिए, इस बार इस नन्हे से प्लांट को इसमें इसको मुझे हैंगिंग में लगाना है। देखिए एक ही सॉइल है, ये देखिए इसको भी मुझे पानी देना है। ये जो छेद है इसमें इस रस्सी को बांधना है मुझे, इस तरह इसको बांध कर लगाना है। इस छेद में रस्सी देकर हैंगिंग में लगाना है। देखिए दोस्तों, इस तरह हैंगिंग में मैंने लगा दिया और कैंची से काटना है, इस तरह बन गया। दोस्तों इस प्लांट को देखिए, इस प्लांट पे इस तरह पेस्ट अटैक होते हैं। ये देखिए अभी भी कीड़ा है, इधर देख पा रहे हो, इस तरह होते हैं। इसीलिए ये प्लांट जब 6 इंच तक हाइट हो जाए तब महीने में 3 बार 10 दिन अंतर अंतर ये देखिए नीम ऑयल 1 लीटर पानी में 1/2 टीस्पून मिलाकर शाम 5 बजे के बाद ऊपर से नीच तक स्प्रे कर दीजिएगा। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है। और ये देखिए इसको कीड़ा देखिए, ये जो कीड़ा है इसको देखिए, इस तरह देखिए, इस टाइप का होते हैं कीड़ा। ये ज़रूर याद रखिएगा, इस प्लांट के लिए ये बहुत खतरनाक होते हैं। इसको मारने से इसके अंदर एक सफ़ेद सफ़ेद का ये सब लिक्विड निकल आते हैं। दोस्तों ये देखिए, एक रॉट आयरन का स्टैंड है, मैं इस प्लांट को इसके ऊपर रख देती हूँ। ये देखिए आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज यही था, अगले नए कोई वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।